हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुमानास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। मैंने 250 ग्राम इमली ले ली है, उसे रात भर सोख करके रख दिया है। अब रात भर सोख करने से ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी इमली। इसे बस हाथ से अच्छे से मसल लेना है। इसे मसलने से क्या होगा, पूरा पल्प अलग हो जाएगा और इसके जो रेसे बीजे वगैरह हैं वो सब अलग हो जाएंगे। और एक छन्नी ले लेनी है और छन्नी के अंदर हम ये इसे थोड़ा थोड़ा पोषण कर इसे अच्छे से छान लेंगे। अगर आप रात भर इमली को सोख कर रखना नहीं चाहते तो 2-3 घंटे के लिए भी सोख करके रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में 3-4 घंटे के लिए आप भिगो कर रख दीजिए, उसके बाद भी आप बना सकते हो। इसे छानने से इसके अंदर के जो बीजे रेसे और जो कुछ भी है एक्स्ट्रा वो सब निकल आता है और हमें सिर्फ पल्प ही चाहिए। और थोड़ा पोर्शन जो बचा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हम इसे अच्छे से छान लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मसल कर इसका जो पल्प है वो हम निकाल लेंगे। अभी भी इसमें बहुत सारा पल्प बचा है, देखिए। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसे अच्छे से छान लेना है। देखिए, ये सब मैंने छान लिया है, इसका देखो कितना पोर्शन बचा है। अभी बस इसमें रेसे और बीजे हैं और कुछ भी नहीं है। और ये पल्प निकालने के बाद देखिए ऐसी बनी है। अभी ये भी चटनी बनी नहीं है, आगे का मैं प्रोसीजर बताती हूँ आपको। मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, इसे मैंने डाल दिया है। और अब ये जो हमने इमली का पल्प निकाला है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इमली की चटनी में गुड़ का ही इस्तेमाल करें, गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है और चटनी भी गाढ़ी बनती है। ये 250 ग्राम इमली में भी अच्छी क्वांटिटी में इमली की चटनी रेडी हो जाती है। अब इसे हमें अच्छे से स्टर कर लेना है। अब मसाले डाल देते हैं। ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। और 1/2 टेबलस्पून सिंपल रेड चिली पाउडर है। और 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दिया है। और पिंच ऑफ हल्दी ऐड की है सिर्फ कलर के लिए। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से पका लेना है। मसालों के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। इसमें मैंने काला नमक ऐड कर दिया है, इससे भी टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। ये देखिए अब हमारी चटनी उबाल आने लगा है। ये अच्छी सी पकी हुई चटनी करीबन 2-3 महीने तक फ्रीज में एज इट इज रहती है, तो आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो। 2-3 महीने तो आराम से चलती है, इससे ज़्यादा भी चलानी हो तो आप फ्रीजर में फ्रीज करके रख सकते हो। देखिए ये चटनी अच्छे से उबल चुकी है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अभी इस पॉइंट पर मैंने 2 चम्मच शक्कर ऐड कर देती हूँ। एक्चुअली इमली तो बहुत ज़्यादा ही खट्टी होती है, तो मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया था और अभी 2 चम्मच शक्कर ऐड कर दी है, तो ये परफेक्ट बैलेंस हो गया है। और अगर आप पूरे साल स्टोर करना चाहते हो ये चटनी, तो 1 चम्मच विनेगर ऐड कर दीजिए, तो पूरे साल तक अच्छी रहेगी, वो भी फ्रीज में। और ये चटनी आप कोई भी चाट, दही भल्ले,
किसी भी स्टार्टर के साथ भी सर्व कर सकते हो। और ये चटनी, इमली की चटनी तो सबकी फेवरेट होती है। ये हमारी खट्टी मीठी और डिलीशियस चटनी बनकर रेडी है। देखिए कितना मस्त कलर आया है, बहुत ही अच्छी कुक हुई है ये, और टेस्ट भी इसका ऑसम है। आइए तो मैं इसको डिश में लेकर दिखाती हूँ आपको। कितने मेरे व्यूअर्स की कंप्लेंट आती है कि हमारी चटनी बहुत पतली बनती है, तो उसके लिए मेरे पास फ्रेंड्स एक ट्रिक है। आप इसमें अगर एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हो तो चटनी आपकी गाढ़ी हो जाएगी। और एक्चुअली मेरी चटनी तो गाढ़ी हो चुकी है, देखिए आप देख सकते हो। और ये तो अभी गर्म है, ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। और पतली चटनी इसीलिए होती है, बराबर पल्प निकला नहीं होता इसीलिए पतली चटनी होती है। और मैंने आपको बताया ऐसे जैसे आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी, और लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। और आप भी रमज़ान में बनाइए मेरी स्टाइल से चटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।